अगली खबर में बात करते हैं छतरपुर की, जहां मध्य प्रदेश में बाइकिंग कल्चर को बढ़ावा देने और खजुराहो को नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार बनाने के उद्देश्य से खजुराहो से 32 बाइकों पर सवार बाइक राइडरों को छतरपुर कलेक्टर संदीप आर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बाइक राइडर 600 किलोमीटर का सफर तय करके प्रदेश के विभिन्न नेशनल पार्कों से होते हुए वर्ल्ड टूरिज्म डे पर भोपाल पहुंचेंगे। इस बीच राइडर विलेज टूर और जंगल सफारी जैसी कई एक्टिविटी भी करेंगे। राइडर वाइल्ड रैली में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 33 बाइक राइडर यात्रा कर रहे हैं। यह आयोजन मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है। तो वहीं के सिंह, सहायक संचालक एडवेंचर मध्य प्रदेश टूरिज्म भोपाल द्वारा बताया गया कि इस यात्रा का उद्देश्य टूरिज्म को प्रमोट करना और मध्य प्रदेश में बाइकिंग कल्चर को बढ़ावा देना और खजुराहो को टाइगर रिजर्व का प्रवेश द्वार बनाना है, जिससे खजुराहो आने वाले पर्यटक हमारे 5 टाइगर रिजर्वों तक बाइक से जाने की सोचे कि हम बाइक से भी टाइगर रिजर्व जा सकते हैं। ये सब डेवलपमेंट हम खजुराहो को करना चाहते हैं। इस पूरी यात्रा का प्रमोशन हमारे द्वारा सोशल मीडिया पर भी कराया जाएगा। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेरित हों कि खजुराहो से टाइगर रिजर्व का एक प्रवेश द्वार बने। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए बाइक राइडरों ने अपनी यात्रा खजुराहो से प्रारंभ की है। अब यह बांधवगढ़, अमरकंटक, कान्हा, पेंच, पताल, कोट, तामिया होते हुए मड़ई पहुंचेंगे और 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर भोपाल में कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। कार्यक्रम में छतरपुर संदीप आर, राजनगर तहसीलदार विजय कुमार सेन, खजुराहो CMO एकता अग्रवाल एवं मध्य प्रदेश टूरिज्म से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे। राइडर भोपाल की रवाना हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले मैं तुलसीदास जी को आज बधाई देना चाह रहा हूँ। वो गुटखा आज छोड़े हैं और आज जो खजुराहो में आप लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि गुटखा मुक्त करने का, तो इसमें सभी को बधाई हो, टीम को भी बधाई कि आप लोगों ने यहाँ पे गुटखा त्यजित करने का जो डिसीजन लिया वो बहुत ही सराहनीय है। आज के जो बाइकर्स राइड वो हमारे लिए बहुत ही एक प्रेस्टिजियस मोमेंट है, जो खजुराहो से लेके जो बाइकर्स का एक सर्किट रहेगा मध्य प्रदेश टूरिज्म के विभिन्न स्पॉट्स पे जो टूरिस्ट और विजिटर्स फ्रेंडली हो, उसमें स्टार्ट हम लोगों ने खजुराहो से किया। ये बहुत ही हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है और आगे जाके बहुत सारे ऐसे राइडर्स इवेंट, जैसे अभी MPT से हमारी चर्चा चल रही है खजुराहो में ही ई बाइक्स की संचालन, सेगवेज की संचालन करने से टूरिज्म और अच्छे से डेवलप होगा यहाँ पे, यही हमारा आशा है। और कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज भी है उसको भी ठीक करने हैं, तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया है, जो जैसे ASI द्वारा ये इन लोगों ने बताया है, जो यहाँ पे तालाब के सामने जो ग्रिल वगैरह टूटा पड़ा है वो 15 दिन के अंदर उसको ठीक करने हैं, तो और रोड्स भी हम लोगों का ठीक करने हैं, तो आज डिसाइड किया गया है ताकि अपना विजिटर्स जो है, अभी सीजन स्टार्ट होने वाला है तो विजिटर्स को सभी सुविधाएं रहे। सर, बाइक कल्चर से टूरिज्म प्रमोट होगा, तो क्या ट्रैकिंग जैसे भी अपने यहाँ, चूंकि पन्ना लगा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, तो क्या ट्रैकिंग का भी किस तरह से कोई डेवलपमेंट? जी बिल्कुल, बाइकिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आजकल बहुत प्रचलन में है, जहाँ पे लोग जो है कैंप भी करते हैं आउटडोर फॉरेस्ट में या एरियाज में। कोर में तो हम नहीं कर पाएंगे, बट जो हमारे खजुराहो एरियाज में जो हम लोग कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला विभिन्न तरीके के है, जैसे बाइकिंग, ई बाइक्स एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दिस विल इम्प्रूव। राइडर्स ने सर हाईवे पर गवर्नेंस की समस्या बताई है, गाड़ी आपके पास? जी अभी निर्देशित किया गया है कि जहाँ पे भी ऐसे स्ट्रे कैटल का बारिश के दौरान स्पेशली इश्यूज रहता है, तो अभी निर्देशित किया गया है जो NHAI के टीम को भी कि वो कॉन्स्टेंटली उनको
हटाना शुरू करे। और एक मुहिम भी चल रहा है जहाँ पे जो ग्राम पंचायतों में जो गौशालाएं बने हैं तो उनको जितना हो सके वो जो स्ट्रे कैटल है उनको वहाँ पे मूव करने हैं रूप में ही भी डेवलप करना है। और दूसरा हमारा ये उद्देश्य था कि खजुराहो से हमारे जो 5 टाइगर रिजर्व हैं वहाँ तक लोग बाइक से जाने के लिए सोचें कि हम बाइक से भी जा सकते हैं। तो ये हमारा डेवलपमेंट हम खजुराहो को करना चाहते हैं। ये बाइकर्स जो हैं जो आए हैं विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं और ये हमारा सोशल मीडिया पे भी प्रमोशन होगा और हमारा ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो ताकि लोग बाग प्रेरित हो सकें कि खजुराहो से हम टाइगर रिजर्व का एक प्रवेश द्वार बने। तर यहाँ से कहाँ कहाँ होकर जाएंगे? यहाँ से जाएंगे बांधवगढ़ के बाद जो है मध्य प्रदेश का स्पिरिचुअल साइट है अमरकंटक जाएंगे। अमरकंटक के बाद हमारा जाने का है कान्हा के बाद जो है पेंच के बाद पातालकोट तामिया के बाद मड़ई और वर्ल्ड टूरिज्म डे पे 27 सितंबर को भोपाल में इसका समापन होगा। मेंबर से कितने हैं सर, बाइक कितनी है इसमें? 32 बाइक्स हैं। बाइक मेंबर मेंबर्स ज़्यादा हैं, 34 हैं, कुछ साथ में भी हैं। डिस्टेंस है अभी सर कितना है? डिस्टेंस यहाँ से लगभग 1600 किलोमीटर 6 किलोमीटर का जी। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं जैसे विलेज टूर भी करेंगे और कहीं पे जो है सफारी भी करेंगे, बोट सफारी भी करेंगे तो वो डिस्टेंस थोड़ा सा अलग होगा। इसका सर उद्देश्य सर क्या है? मध्य प्रदेश में बाइकिंग कल्चर और खजुराहो को नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार बनाने का हमारा एक उद्देश्य था कि खजुराहो को इस तरीके से लोग बाग सोचें कि ये भी हमारे लिए बाइकिंग से जाने के लिए प्रवेश द्वार बने।